इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज किस तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं इस वक्त हमारा मौजू है एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आइए देखते हैं ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या और किस तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की डेफिनेशन क्या है कि दीज आर यूज़ टू बेटर टारगेट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक नॉलेज वर्कर और टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नॉलेज वर्कर्स हु शेयर कॉमन वर्क नीड्स के ऐसे लोग जिनकी वर्क नीड्स कॉमन हैं उनके लिए स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है या अरेंज करनी है या अगर कहीं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे स्पेसिफ़िक करके एक्वायर करना है और इस्तेमाल में लाना है इसमें हमारा वास्ता सबसे पहले एक कंसेप्ट से पड़ता है जिसको कस्टमाइजेशन कहते हैं अब ये कस्टमाइजेशन क्या है के नॉलेज वर्कर्स मैनुअली चेंजिंग देयर नॉलेज कि क्योंकि जो काम करने का एनवायरनमेंट है नॉलेज को उसको यूज़ करने का उसको वो मैनुअली चेंज करते हैं जैसे मिसाल के तौर पे सेलेक्टिंग यूजर प्रेफरेंसेस टू चेंज डेस्कटॉप इंटरफेस स्पेसिफाइंग सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इन कंटेंट टू बी प्रोवाइडेड टू देम लैंग्वेज और सब्सक्राइबिंग टू सर्टेन न्यूज़ और लिस्ट सर सर्विसेज कि चाहे वो अपने डेस्कटॉप को या अपने लैपटॉप की प्रेफरेंसेस हों उसमें कलर स्कीम हम चेंज करते हैं थीम चेंज करते हैं इस तरह और बहुत सी चेंजेस करते हैं इसके अलावा ये है कि कुछ स्पेसिफ़िक उसको न्यूज़ दी जाए स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन दी जाए तो इस किस्म की जो चेंजेस हैं उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं कि गो के हमारा वास्ता इसमें भी मशीन के साथ है लेकिन ये चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं होती इसको यूज़र जो है वो अपने अंदाज से इस काम को करता है इसके मुकाबले में एक टर्म है पर्सनलाइजेशन अब इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली चेंजिंग कंटेंट एंड इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड एनालाइज्ड बिहेवियर्स ऑफ द इंटेंडेड एंड यूज़र के जो एंड यूज़र है उसके बिहेवियर को देखते हुए यह सॉफ्टवेयर की मदद से या मशीन ख़ुद फैसला करे कि उसने कौन सी सर्विस में क्या तब्दीलियाँ लानी हैं और ये काम ऑटोमेटिकली होता है इसका नाम उन्होंने पर्सनलाइजेशन रखा इसमें एग्जाम्पल क्या है कि मैनी एम एस ऑफिस एप्लीकेशन्स ऑफर द ऑप्शन ऑफ ऑफमिकली रीऑर्डरिंग पॉप डाउन मेन्यू आइटम्स बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ यूजेज अब इसमें होता क्या है द वंस यूज मोस्ट ऑफन विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप कि एमएस वर्ड की मिसाल ले लें ले, या एक्सेल की ले लें कि जॉन्स ही एप्स या जौन से बटन उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होंगे वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगे या सबसे ऊपर आ जाएंगे और ये काम उसके यूज़ के बिहेवियर से वो सॉफ्टवेयर ख़ुद एनालाइज करके अपना फ़ैसला करता है एनदर एग्जांपल इज़ आ रिकमेंडर सिस्टम कि जैसे अमेजोन की जो ख़ास तौर पर बुक शॉप है उसके अलावा जो उसका बाकी सामान वो बेचते हैं वो पिछले यूज़र्स के बिहेवियर से ये देखते हैं कि और कौन लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ परचेज़ की है उसकी बुनियाद पे वो एक रिकमेंडेड सिस्टम बनाते हैं और किसी भी यूज़र को वो रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये आइटम जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी आप इसे परचेज़ कीजिए तो ये क्या काम भी डेटा को एनालाइज़ करके अमेजोन ऑटोमेटिकली करता है अब इसमें इसमें पर्सनलाइजेशन इस की टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं टू टारगेट और पुश सर्टन टाइप्स ऑफ कंटेंट देट इज़ ऑफ़ इंटरेस्ट टू अ गिवन कम्युनिटी कि किसी भी कम्युनिटी के लिए जो इंटरेस्ट का कंटेंट uh, है उसको टारगेट करना या उसको पुश करना उस कंटेंट को उन लोगों तक भेजना इसको पुश कहते हैं इन कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस कम्युनिटी प्रोफाइल्स कैन भी एस्टेब्लिश्ड जस्ट एज इंडिविजुअल प्रोफाइल्स एंड यूज इन द सेम मैनर इन ऑर्डर टू बैटर अडेप्टंटेंट एंड इंटरफेस टू द कम्युनिटी मेम्बर्स कि किसी भी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में आप यूज़र्स की प्रोफाइलिंग करें यह काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेगा और उसके बाद उन उनके प्रोफाइल्स के ऊपर उनकी कैटेगरीज़ बना के तो उनके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन को उनके लिए पर्सनलाइज करना है उनके लिए सेलेक्ट करना है कौन सा जो सब ग्रुप है उसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सूटेबल रहेगी और कौन से दूसरे ग्रुप के लिए कौन सी दूसरी इन्फॉर्मेशन सूटेबल रहेगी इस किस्म के फ़ैसले जो हैं ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये आटोमेटिकली करती हैं और इसके ज़रिए से इंसान का और मशीन का टाइम और वक्त बचाती हैं